दोस्तों, अगला दशक स्पेस युग का दशक होने वाला है, जहां हम इंसान मून पर वापस लैंड कर वहां ह्यूमन कॉलोनी बसाएंगे, मंगल ग्रह पर कदम रखेंगे और साथ ही अब तक का सबसे पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में स्थापित करेंगे। पर ये सभी मिशन कहीं ना कहीं एक कॉमन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने अब तक कई यानों में गोल्डन मैसेज भेजे हैं। हमेशा से इंसानों ने माना है कि स्पेस की कोई सीमा नहीं है और इसके किसी कोने में पृथ्वी जैसा ग्रह जरूर मौजूद होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनंत फैले इस ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद नहीं हो सकता। यही कारण है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में हम निरंतर लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हमें कई ऐसे ग्रह मिले हैं जिसमें जीवन मौजूद हो सकता है, परंतु दुर्भाग्य से वे हमसे इतनी दूर हैं कि हम उन तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। परंतु अगस्त 2016 में हमें यह पता चला कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो आकार में हमारे पृथ्वी जितना ही है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है। हैबिटेबल जोन किसी तारे का वह जोन होता है जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह का सरफेस टेम्परेचर ना तो बहुत ठंडा होता है और ना ही बहुत गर्म। इस ग्रह का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। हम अभी तक नहीं जानते कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर एटमॉस्फेयर मौजूद है या नहीं, पर अगर इस पर एटमॉस्फेयर मौजूद हुआ तो निश्चित तौर पर इस पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा। इस ग्रह के बारे में हमारी सारी जानकारी सिमुलेशन मॉडल पर ही आधारित है। हालांकि प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारा सबसे नज़दीकी तारा है जो हमसे लगभग 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब यह है कि लाइट की गति से इस तक पहुंचने में हमें लगभग 4 सालों का समय लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो लाइट की स्पीड से चल सके। ऐसे में मौजूदा तकनीक से इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में हम इंसानों को लगभग 73,000 सालों का समय लगेगा। दरअसल प्रोक्सिमा सेंटोरी में हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई क्योंकि 18 दिसंबर 2020 को इस स्टार सिस्टम की दिशा से रेडियो वेव्स के एमिशंस को डिटेक्ट किया गया। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 982 मेगाहर्ट्ज़ थी, जिसे नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऐसी कोई भी खगोलीय घटना नहीं है जिसके जरिए इस तरह के रेडियो सिग्नल पैदा हो सके। इससे एक संभावना पैदा होती है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी एलियन सभ्यता मौजूद है जो काफ़ी एडवांस है। आखिर में सवाल यह उठता है कि आज वैज्ञानिक इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं। दरअसल हम ऐसे कई फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलने में सक्षम हो। वैसे तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सके, परंतु साल 1994 में एक थ्योरी सामने आई जिसे हम वॉर्प ड्राइव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हम इंसान एक ऐसे यान को बनाने में सक्षम हैं जो लाइट की स्पीड से भी तेज चल सके। इसमें दिलचस्पी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसे डेवलप कर रही है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्हें उम्मीद है कि अभी नहीं तो भविष्य में ही सही ये तकनीक हमारे काम जरूर आएगी।